है और हालात कितने खराब है देख सकते हैं। राजीव नगर थाना में लगभग 5 फीट पानी लग गया है, पूरी तरीके से सभी गाड़ियां डूब गई हैं। राजीव नगर थाना का जो बैरक है, पुलिस कर्मियों ने बैरक को खाली कर दिया है। थाना अध्यक्ष का रूम डूबा हुआ है, पूरा थाना डूबा हुआ है। ये नज़ारा पटना के थाना राजीव नगर का है। यहाँ देखिए बैरक है, इस बैरक में पूरी तरीके से वो देखिए सामने जो है वो बैरक है पुलिसकर्मियों के रहने का, वहाँ सांप बिच्छू का प्रवेश हो चुका है और वहाँ से लोग थाने में जो पुलिसकर्मी प्रतिनिधि निकल चुके हैं। थाना है या तालाब, क्या नाम दूँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थाना है तो थाना कहना पड़ेगा। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं पटना के राजीव नगर थाना का वो वीडियो, शायद देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मानसून की पहली बौछार में ये थाना नहीं तालाब बन गया है, पोखर बन गया है और हालात कितने ख़राब है देख सकते हैं। राजीव नगर थाना में लगभग 5 फीट पानी लग गया है, पूरी तरीके से सभी गाड़ियां डूब गई हैं। राजीव नगर थाना का जो बैरक है, पुलिसकर्मियों ने बैरक को खाली कर दिया है। थाना अध्यक्ष का रूम डूबा हुआ है, पूरा थाना डूबा हुआ है। ये नज़ारा पटना के थाना राजीव नगर का है। यहाँ देखिए बैरक है, इस बैरक में पूरी तरीके से वो देखिए सामने जो है वो बैरक है पुलिसकर्मियों के रहने का, वहाँ सांप बिच्छू का प्रवेश हो चुका है और वहाँ से लोग थाने में जो पुलिसकर्मी प्रतिनिधि निकल चुके हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों, हर बार तुम्हारी वही लीला, हर बार वही करनी, हर बार वही कथनी। साजी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन थाने की स्थिति तो यही कह रही है कि शायद मैं डूब चुका हूँ और पानी के अंदर हूँ, मैं पानी हमारे ऊपर है। और थानों की स्थिति जब ऐसी होगी तो इलाके का क्या हाल होगा। निश्चित तौर पर इस नज़ारे को थोड़ा आप देखिए और आप भी अपने आप में ज़रूर सोचिएगा कि पटना के थानों के हालात ऐसे रहेंगे तो थाने और तालाब में फ़र्क क्या रह जाएगा। सहयोगी रणधीर के साथ मुर्दोबालम, कशिश न्यूज पटना।